ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और कल से स्टार्ट हो रहा है अधिक मास, जो कि इस पर्व को बहुत विशेष और बहुत खास बनाता है। आप सबको ये भी पता है कि गुरु जी की कथा चल रही है अलवर राजस्थान में, और कल की कथा में लकुलेश महादेव का एक बहुत ही प्यारा सा उपाय गुरु जी ने बताया, उसी की बात इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ, इस पूरी वीडियो में अधिक मास या फिर कभी भी करने वाले चार बहुत ही प्यारे से उपाय की बात हम लोग करेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले उपाय की बात करेंगे, जो लकुलेश महादेव का उपाय है। बहुत कमेंट आ गए, भैया इसके फायदे क्या हैं, कैसे करेंगे। तो इसके फायदे सबसे पहले समझो कि अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार है, परेशान चल रहा है ना, तो इस काम को करना स्टार्ट कर दो, आपके घर से बीमारी हमेशा के लिए खत्म होगी, ठीक है। क्या करना होगा सुनो, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बेलपत्र, दिख रहा है ना, हमें बस एक बेलपत्र चाहिए, बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी एक बेलपत्र लेना, ठीक है। ले लिया बेलपत्र। देखो हम सभी के घरों में हम सभी पानी ज़रूर पीते हैं, तो हम लोग अपने किचन में पीने के लिए पानी रखते ही रखते होंगे। अब वो चाहे मॉडर्न ज़माने के हिसाब से आरओ में रखते हों, या फिर किसी मटके में रखते हों, परिंडे में रखते हों, बाल्टी में रखते हों, बॉटल में, कहीं पर भी रखते तो ज़रूर होंगे ना, जहाँ पर भी रखते हैं। तो जिस भी जगह पे आप वो पानी रखते हैं, तो आप क्या करेंगे, जो एक बेलपत्र आपके पास में है ना, उस एक बेलपत्र को लकुलेश महादेव, कौन से महादेव, लकुलेश महादेव के नाम से आपको आरओ में या फिर किसी भी जूस में पानी रखते हो उसमें एक बार टच करा देना उस एक बेलपत्र को, ठीक है। टच करा दिया, टच कराने के बाद क्या करोगे, उस एक बेलपत्र को अपने पूरे घर में लेकर के घूम लेना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए सभी कमरों में लेकर के उस एक बेलपत्र को लेकर चले जाना, ठीक है। बस वॉशरूम में मत जाना, बाकी हर जगह चले जाना, है ना, कर लिया इतना काम। अब देखो जो एक बेलपत्र आपके पास में ना, जो घर में लेकर घूम लिया है, उसको लेकर के कहाँ भिजाओगे, आपके घर के आसपास कोई सा भी बेल का पेड़ हो, कौन सा बेल का पेड़ हो, उस बेल पेड़ की जड़ पे ले जा करके पहले उस एक बेलपत्र को रखोगे लकुलेश महादेव के नाम से। किसके नाम से, लकुलेश महादेव के नाम से रख देना। उसके बाद जो बेलपत्र आपने बेल पेड़ की जड़ में रखा है, उसको फिर वहां से उठाओगे और लेके चले जाना कहां पर, महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, और उस एक बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना लकुलेश महादेव के नाम से। डंडी रखना बाहर की तरफ यानी जलाधारी की तरफ, और पत्ती का मुख होना चाहिए आपकी तरफ, है ना। उसके बाद एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए जो बेलपत्र लकुलेश महादेव के नाम से आपने समर्पित किया है, उसी बेलपत्र के ऊपर जल की धार बिल्कुल स्लो मोशन में बहुत धीरे धीरे गिराना। जो जल होगी बहती हुई इसी जलाधारी से नीचे गिरेगी, गिरेगी कि नहीं गिरेगी, तो आप क्या करेंगे, इस जल को थोड़ा सा रोक लेना, इकट्ठा करना, और जो भी व्यक्ति बीमार है आपके घर में, जो भी बहुत मेडिसिन खाता है, बहुत दवा खाता है, ठीक नहीं हो पा रहा है, उसको ले जा करके थोड़ा सा आचमन करा देना। एक बहन ने पूछा था, भैया आचमन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह हुआ कि थोड़ा सा दो चार बूंद आप पिला दें या फिर होठों पे लगा दें, इसी को हम लोग बोलते हैं आचमन करना, ठीक है। तो उसको पिला दें, आपकी जो भी बीमारियां होंगी वो धीरे धीरे करके खत्म होंगी। बस नाम याद रखना, महादेव का एक बहुत ही प्यारा सा नाम, हम सभी लोगों ने पहली बार नाम सुना है, वो है लकुलेश महादेव का नाम। तो कॉमेंट सेक्शन में लिखेंगे लकुलेश महादेव की जय। चलो तो पहले उपाय की बात हो गई है, आगे बढ़ते हैं इसी वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय भी किन के लिए है, ये भी है बीमारी के लिए। बहुत पहले गुरुजी की कथा चल रही थी, उसी में गुरुजी ने बिजली महादेव का उपाय बताया था, कौन से महादेव, बिजली महादेव, ये उपाय वही है। उसके लिए हमें लेना होगा इस तरीके से मक्खन, मार्केट में बहुत ईजिली बहुत आसानी से आपको मक्खन मिल जाएंगे, ठीक है, मक्खन ले लेना। इस मक्खन को लेके चले जाओगे कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ, महादेव के शिवलिंग के ऊपर अच्छे तरीके से जितना अच्छा आप लेपन कर सकते हैं, जितना अच्छे तरीके से आप लगा सकते हैं, उस मक्खन को लगाओगे। अभी मैंने आपको एक नाम बताया है महादेव का, कौन सा नाम, कौन सा नाम, बिजली महादेव, भूल जाता हूँ मैं, बिजली महादेव के नाम से आपको लेपन करना होगा। कर दिया लेपन, अच्छे तरीके से लेपन करना, और जो भी व्यक्ति बीमार है ना, उसका नाम और गोत्र ज़रूर बोलना। उसके बाद एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए बिजली महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना। उस व्यक्ति की जो भी बीमारियाँ होंगी वो धीरे 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 करके ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। समझ में आई क्या बात मेरी। चलो तो दो उपाय की बात हमने कर ली है, पहला लकुलेश महादेव और दूसरा बिजली महादेव। चलो आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय बहुत परफेक्ट है, बहुत आसान है, लेकिन क्या फ़ायदे हैं और कैसे करना है, उससे पहले एक छोटा सा काम करना होगा, और वो है वीडियो को कर दीजिए लाइक, और जितने भी भाई बहन ना मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलो
स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा शहद, लेकिन सबसे पहले फ़ायदे समझो। इसके दो फायदे हैं। पहला फ़ायदा तो है आपके बच्चों के लिए कि बहुत परेशान हैं आप अपने बच्चों से, गलत संगति में जा रहे हैं, पढ़ने का उनका मन नहीं करता, बैठते नहीं है पढ़ने के लिए, तो आप करेंगे। दूसरा, अगर हस्बैंड और वाइफ में या फिर किसी भी घर में कोई भी सदस्य ना, लड़ाइयाँ आपके घर में बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इस काम को करेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक एक बात करेंगे। सबसे पहली बात करते हैं जो आपके बच्चों के लिए है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर शहद दिख रहा है ना, तो हमें लेना होगा शहद, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, 1 से 2 चम्मच शहद लेना। शहद के साथ साथ हमें लेना होगा इस तरीके से पीला चंदन, है ना। इस उपाय के लिए हमें पीला चंदन चाहिए, थोड़ा सा शहद और पीला चंदन। जैसे इस कटोरी में आपने शहद डाला 1 चम्मच और इसी में थोड़ा सा पीला चंदन डालना, इसको आपस में मिक्स कर देना अच्छे तरीके से, खूब अच्छे मिक्स कर देना, पेस्ट बना लेना, लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास। हम सबको पता है ये जो स्पेस होता है, जगह होती है, ये है माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है ना, तो उसी शहद और पीले चंदन का लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पे अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है, बैठ करके माता से प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे कि हमारा बच्चा है, इसका मतलब माइंड ऐसे रहता है, हमेशा गलत संगति में रहता है, पढ़ने के लिए नहीं बैठता, माता आप इसको सही करें। जो भी प्रार्थना करनी होगी अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना करना, और 1 लोटा शुद्ध जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए समर्पित कर देना। ठीक है, और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है ना। लेकिन अभी मैंने आपको एक बात और बताई कि हम इस वीडियो में 2 बात करेंगे, पहला तो बच्चों के लिए और दूसरा बात करेंगे लड़ाई वाला। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं लड़ाई के लिए। अब लड़ाई के लिए हमें लेना होगा इस तरीके से फिर से शहद लोगे। ठीक है, शहद बहुत ज़्यादा नहीं, 1 से 2 चम्मच शहद लेना। साथ ही साथ हमें लेना होगा यहाँ पर दिख रहा है, ये है लाल चंदन। क्या है? लाल चंदन। अब इस शहद को फिर क्या करोगे, जैसे मान लेते हैं कि 1 से 2 चम्मच आपने शहद लिया, उसी में थोड़ा सा लाल चंदन डालना और अपनी उंगलियों से अच्छे तरीके से उसको मिक्स करना, पेस्ट बना लेना। ठीक है, पेस्ट बनाने के बाद फिर से लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास। लड़ाई झगड़े के लिए सबसे जो अच्छी जगह मानी जाती है लेपन करने का, वो ये है माता का हस्तकमल, माँ जगत जननी जगदम्बा, माँ पार्वती का हस्तकमल। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो शहद और लाल चंदन का मिक्सचर आपने तैयार किया है, अपने हाथों से अच्छे तरीके से सिर्फ इसी जगह पे और कहीं नहीं, सिर्फ इसी जगह पे अच्छे तरीके से लेपन करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर में हस्बैंड से लड़ाई होती है, वाइफ से लड़ाई होती है, घर में जिस भी इंसान से लड़ाई होती है, उस कामना से आप लेपन करना, और उसके बाद जो भी प्रार्थना करनी होगी कर लेना, और 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हो, और आपको कुछ भी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बात आई क्या समझ में? तो इस उपाय को करिएगा। तो यहाँ पर हमने बात कर ली है अपने 3 उपाय की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और 4th उपाय, और बहुत ज़्यादा इजी, बहुत ज़्यादा आसान है। वह उपाय आपको करना होगा 3 मुखी रुद्राक्ष से। किसने? यहाँ तो जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये तो 9 मुखी है, आपको लेना होगा 3 मुखी, जिसमें इस तरीके से 3 खाने सिर्फ बने हों, मात्र 3 मुखी रुद्राक्ष एक लेना होगा। ठीक है, उस 3 मुखी रुद्राक्ष को एक लाल कपड़ा लेना और उस लाल कपड़े में रख लेना। ठीक है, उसकी एक छोटी सी पोटली बनाना और उसको ले जाना, अगर आपका कोई शॉप है, दुकान है, व्यापार नहीं चल रहा, या फिर आपके घर में धन की बहुत ज़्यादा समस्या है ना, तो आप अपने तिजोरी में जहाँ रुपए पैसे गहने रखते हैं, इस 3 मुखी रुद्राक्ष को लाल कपड़े में बांध करके एक मंत्र बोलना, ओम क्लीम नमः। कौन सा मंत्र? ओम क्लीम नमः। फिर से बोल रहा हूँ, नोट करना चाहो नोट कर लो, ओम क्लीम नमः मंत्र का स्मरण करते हुए उसको अपनी तिजोरी में या फिर अपने दुकान पे रख लेना। आपके घर की हमेशा जो धन की समस्या रहती है वो ख़त्म हो जाएगी, और अगर व्यापार नहीं चलता तो व्यापार भी आपका बहुत अच्छा चलेगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो इस पूरी वीडियो में हम लोगों ने बहुत ही आसान आसान 4 सुंदर से उपाय की बात की है। इन सभी उपायों को अगर अधिक मास में करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो कभी भी कर लेना, आपकी सारी विशेष पूरी होंगी। महादेव आप सभी को हमेशा खुश रखें। तो कोशिश की अच्छा समझाने की, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, कुछ पूछना हो नहीं समझ में आया नीचे कॉमेंट में पूछें, और जितने भी भाई बहन ना अचानक से चैनल पर आ गए हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।